कौन है? जुलू, जुलू चुआ। हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया। सो अभी बज रहे हैं दिन के 7:45 एंड अभी मेरा सोने का टाइम नहीं हुआ है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, देन यू माइट नोटिस कि भाई मैं रात को आई शूट माई वीडियोज़, आई एडिटेड या फिर जो भी काम होता है मैं रात के टाइम करती हूँ, एंड देन दिन में आई स्लीप। सो मेरा स्लीपिंग टाइम ऐसा होता है कि 7 बजे से लेकर लाइक 12 बजे तक या फिर 1-2 बजे तक आई स्लीप, एंड देन आई कंटिन्यू विथ माई डे वाला शेड्यूल जो भी होता है। ठीक है, सो कायदे से अभी 7 बजने वाले हैं और मुझे सो जाना चाहिए। बट अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर आई स्टार्टेड ओ मैड 1 meal a day डाइट। तो मुझे अचानक से क्रेविंग होने लगी कि यार मुझे ना बहुत टाइम हो गया इस डाइट की वजह से, आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग यू नो चटपटा। सो मैं चूरन वगैरह बहुत ज्यादा खाती हूँ, चूरन इन द सेंस आम पापड़, चटमूला, सतमूला, हाजमूला, पता नहीं क्या कहिए, ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। चिप्स में भी मुझे ऐसा नहीं है, मैं या तो पिंगल्स खाती हूँ या फिर फन चिप्स खाती हूँ, यही दो खाती हूँ मैं मेनली बेसिकली। एंड अभी जो भाव भाव कर रही है वो मेरी जूली है, एंड वो सबको उठा रही है, सबकी मतलब यू नो पीसफुल स्लीप में आग लगा रही है अभी वो। ठीक है, सो या सो अभी मैं उठी हुई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मम्मी अभी उठेंगी, अभी उठेंगी तो उनके साथ में जाऊँगी चटमूला लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा सोने का टाइम हो जाता है। एंड देन मतलब मुझे इतनी नींद आ रही है, अभी आपको मेरे फेसेस नहीं लगा क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले अपनी आईज वॉश की थी। अभी मैं जस्ट यू कैन सी, अभी जस्ट मैंने अपना लैपटॉप बंद किया है, सो अभी मैंने अपनी आईज वॉश किए हैं तो उसे अभी लग नहीं रहा है। तो या और गाइस, दिस इज माय चूरन मेकअप लुक। ठीक है, तो चूरन जब मैं लेने जाती हूँ तो मैं इस तरीके का मेकअप करती हूँ जो कि कोई मेकअप नहीं है। चलो चलते हैं यार। हाय, I'm back and I'm back at home and I'm back in my nice suit. So मैं ये लेकर आई हूँ, दो पैकेट लेकर आई हूँ फन क्लिप्स के, ये वाले पिंक वाले से यार आई एम क्वाइट बोर्ड, एक ये वाले फन क्लिप्स। एंड अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो फन क्लिप्स की ये जो फन क्लिप्स है ना, ये फन क्लिप्स ऑफ मसाला, हाँ इनकी थोड़ी सी पैकेजिंग कम है और क्वांटिटी कम है, दैट्स सैड। मतलब 5 रुपए वाला चिप्स का पैकेट खा के ना लिटरली आई यूज टू फील यू नो कि बिल्कुल पेट भर गया है, सॉर्ट ऑफ फुल सॉर्ट ऑफ अ थिंग पहले। एंड और क्या लाई हूँ मैं, देन मैं लाई हूँ ये चटमूला। एंड भाई जो भी देखता है ना, जैसे मैं तो स्टोरी में डालती हूँ हैविंग चटमूला करके, जब पहले मैं रेगुलरली खाती थी तो सब लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार ये हमारे लिए भी लेके आई, हमारे लिए लेके आई, बिकॉज यार ये मिलता नहीं है, ये नॉर्मल शॉप्स पे मतलब नॉर्मल शॉप्स मीन आस पास की दुकानों में बहुत कम मिलता है। मीन्स ये तो बिल्कुल थ्रो बैक वाली बात ही होगी कि बचपन में खाते थे ये वाला थिंग। एंड और क्या लाई हूँ मैं, आई हैव बॉट दिस ऑल्सो, आई हैव बॉट दिस मैक्रोनी मसाला, बिकॉज आज रात में डिनर में आई एम कुकिंग मैक्रोनी। मैं एक्चुअली ना रात से ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं एडिटिंग कर रही थी साथ साथ आई वॉज वॉचिंग कुकिंग वाली वीडियोज। तो कुकिंग में मैंने 2-3 चीज़ें फाइन की थी, मैंने मम्मी से बोला था, एक तो मैंने सोचा कि मैं लिट्टी चौका बनाती हूँ। लिट्टी चौका तो आपको पता है बिहार की डिश है, बट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज मेरे घर के पास में एक जगह है वहाँ पर बहुत सही लिट्टी चौका मिलता है, एंड आई वॉज लाइक सो क्रेजी अबाउट इट। पहले तो होता क्या था, जैसे अगर कभी मेरा मन नहीं होता बाहर बाहर जाने का, एंड मेरे फ्रेंड्स का मन होता था कि नहीं यार चलो सारे मिलते हैं, तो जान सोचते यार लिट्टी खाएंगे, लिट्टी खाएंगे, आजा आजा आजा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लिट्टी मैं मुंह उठा के चल देती कि चलो 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 खाते हैं। सो ये केस होता है। एंड साथ में मैंने आम पापड़ लाने थे, कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन था बिकॉज ये तो मीठी मीठी होती है ना, एंड तो फिर मैं लेकर आई हूँ ये हाजमोला। सतमोला बोली थी यार, मिली नहीं वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। सो अब मैं इसको एंजॉय करूंगी एंड टीवी देखूंगी एंड देन आई स्लीप, एंड फिर मैं आपसे उठ के बात करती हूँ, बाय। सो गाइस, आई जस्ट वोक अप एंड अभी बज रहे हैं 4, एंड यू कैन सी माई फेस इज स्वोलन एज ऑफ नाउ, या कुछ लोग अभी यही कह रहे होंगे कि तेरा पहले भी मुँह मोटा लग रहा था, तेरा अभी भी मुँह मोटा लग रहा है, कोई स्वोलन नहीं है, तेरा मुँह ही ऐसा है, कुछ लोग ये भी बोल रहे। तो मैं इतनी लेट इसलिए भी उठी क्योंकि मैं सीरियल देख रही थी, भाभी जी घर पर आ रहा था एंड बहुत सही वाला एपिसोड चल रहा था उसमें, तो मैं तो बिल्कुल पसर गई भाई देखने के लिए। एंड आज तो बहुत भयंकर चीट डे हो गया, आज मैंने सुबह सुबह उठ के ही रात भर जो मैं रेसिपी देख रही थी, मैंने अलग तरीके से मम्मा को बोला था मम्मा आलू का पराठा बना दो, एंड शी मेड इट फॉर मी। बिल्कुल उन्होंने मना नहीं किया यार कि तू डाइट क्यों तोड़ रही है, कुछ नहीं बोली, गलत गलत करती हैं यार उन्होंने क्यों। मैं फिर खाना खाने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मैं कहा मम्मी आप मेरी सारी बातें मत मारा करो, कुछ कुछ बातों में मुझे ना भी बोल दिया करो, आप सारी बातें मान जाओगी ना तो मैं बिल्कुल फुटबॉल हो जाऊँगी।
मतलब मुझे मोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार मुझे खुद के मोटे होने से प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं मोटी होती हूँ तो मेरा मुंह मोटा होता है, मुझे मोटे मुंह से प्रॉब्लम है। अगर मैं मोटी हो जाऊँ और मेरा मुंह पतला रहे तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि डजंट रियली मैटर। और इसलिए भी क्योंकि फिर फोटोज़ में यार डबल चिन आती है, ऐसा भैंसे जैसा मुँह आता है ना साइड से लोगों की, वो सेक्सी वाली चिन नहीं होती ऐसे करके जो लोग दिखाते हैं, मैं ऐसे करके दिखाऊँ ना ऐसे डबल चिन ट्रिपल जैसा गोला दिखता है ना चर्बी का, आई डोंट नो। एंड यस, मैं ड्रामा देख रही थी एंड मैं सीरियल देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है सीरियल देखने यार। पता है जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी मम्मी जितनी देर मेरे लिए लंच वंच पैक करती थी, एंड लिटरली मैं लंच वहाँ स्कूल जाके खाती भी नहीं थी ज़्यादा, औरों का लंच खाती थी, तब भी मैं चुपचाप पैक करवा लेती थी और टीवी देखती रहती थी। टीवी तब आता था जब मैं छोटी थी, तब आता सास भी कभी बहुत वो आता था कसौटी जिंदगी की देख लेती थी। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दीदी भैया ने बोला, दीदी भैया इफ यू आर वॉचिंग, हाँ, तो मेरी दीदी भैया ने बोला कि चलो हम लोग नो एंट्री देखते हैं। तो देवर लाइक कि यार तू तो बहुत छोटी है, और नो एंट्री तब रिलीज हुई थी तभी मैं छोटी थी यार, ठीक है, कहते छोटी है तू नो एंट्री देख तो रही थी, कंफ्यूजिंग फिल्म है तेको समझ नहीं आएंगे ना, वॉज लाइक ऐसे मैंने मन में सोचा कि भाई साहब अगर आपको समझ आया ना तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमें सब समझ आता, बहुत तीव्र बुद्धि है हमारी, तीव्र तीव्र। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, एंड मैं जितनी बार अपना थोपड़ा देखती हूँ ना उतनी बार मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे बाल फिर से गलत कटे। मैं अपने गलत बालों की स्टोरी भी अभी सुनाई देती हूँ। एंड मुझे पता है जो मेरी सैलून वाली दीदी है वो देख रही हैं, और सैलून वाली दीदी मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज अच्छे बनाते हो, बाल आप बहुत गलत काटते हो। और जो मैंने बिल्कुल नहीं, बात मैं बताती क्या हुआ था, मेरे बाल जब बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और जो मैंने बताया था कि मेरे को छोटे कराने छोटे कराने, मैं थोड़े बहुत मम्मी से भी छोटे करा ली थे, उसके बाद मुझे लगा तब भी सारा कलर नहीं निकला है, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ऐसा कौन सा इंसान होता होगा जिसको स्ट्रेट कट करना नहीं आता, मतलब दिस इज़ सो ईजी, ठीक है। उन्होंने मेरा स्ट्रेट कट भी गलत किया यार, उन्होंने यहाँ से देखो मेरे बाल कैसे काटे, देखो फिनिशिंग ही नहीं है और यहाँ से कैसे काटी। एंड इनफैक्ट मेरा मन था क्योंकि जब मैंने ये कट कराया था तो सारे सैलून बंद थे सिवाय उन दीदी के, क्योंकि उन दीदी की जो सैलून है दैट वॉज इन साइड यू नो सोसाइटी, तो इसलिए उन्होंने खोल के रखा हुआ था, ठीक है, घर के पास ही था उनका। मुझे लगा यार स्ट्रेट कट आओ सैलून में दीदी, उनको स्ट्रेट कट, उन्होंने स्ट्रेट कट भी गलत किया। करते करते जब मैं खड़ी हुई तो मैंने बोला दीदी यहाँ से सही वहाँ से देखा, कह अरे तो फिनिशिंग तो देने दो, फिनिशिंग तो देने दो, फिनिशिंग करते करते बाल फिनिश कर दिए यार दीदी आपने। और पता है मैं भाई आप सिर्फ आईब्रोज अच्छी बनाती है, सिर्फ आईब्रोज अच्छी बनाती, मैं झूठ नहीं बोल रही, और इस बार आपने आईब्रोज भी गलत बनाई है, ठीक है, आईब्रोज गलत इसलिए बनाई है आपने, मेरी आईब्रो छोटी छोटी नहीं, मतलब एक ऊपर कटी नीचे कटी, मेरी एक आँख छोटी लग रही है, क्यों करा आपने ऐसे मेरे साथ। सो फर्स्ट आई वॉश माई फेस विद दिस फेस वॉश, दिस इज हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, अल्टीमेट फेवरेट, लेट मी वॉश इट एंड कम बैक। So after washing my face, I'll be using these two products. One is retinol serum and this is Body Avenue ki under eye cream. And I've been using it for weeks now. And these are working pretty good on me. Sabse pehle, I'll be using serum. Ab ye wala serum generally, I apply on the nights jab mujhe kuch shoot nahi karna hota. And tab, kyunki aaj I have some plans ki I might shoot a makeup video or something, तो इसीलिए ये ऐसे ऐसे I'll be doing this. वैसे मैं रियल में ऐसे सीरम नहीं लगाती, पता रियल में मैं सीरम लगाती हूँ, I just take few drops and then I apply it. पर अभी मैंने सिर्फ फैंसी लुक के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दिया, सॉरी यार, इतना सही जेल बेस्ड है ना, ऑयल स्किन वालों को ना ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, लाइक लिटरली इरिटेट नहीं करेगा, वरना सीरम्स वगैरह होते हैं ना वो इतने चिपचिपे लगते हैं ना, लाइक सीरियसली। एंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लिया इनफैक्ट, इसको जब भी सीरम को ज़्यादा हो ना तो उसको बार बार रगड़ना नहीं चाहिए एब्जॉर्ब कराने के लिए, लेट इट सेटल डाउन, एक दो मिनट लग सकते हैं या एक मिनट लग जाएगा, एंड देन इट विल सेटल डाउन। एंड उसके बाद आई विल बी यूजिंग दिस अंडर आई क्रीम, चलो थोड़ा सा लगा ही लेते हैं क्योंकि अंडर आईज पे तो सेटल हो चुका है, सो इतना सा क्वांटिटी लेंगे। एंड देन एंड ज्यादा स्किन केयर नहीं है, एट लास्ट आई विल बी यूजिंग माय लिप बाम। आई जस्ट वंडर लोग लिप बाम्स लेते हैं, इतनी आजकल एक्सपेंसिव लिप बाम्स आ रही हैं, जबकि दीस थिंग्स प्रीटी मच डू द सेम वर्क, तो इन लोग कैसे ले लेते हैं। डिनर के लिए आई एम प्लानिंग टू मेक दिस, दिस इज बैम्बिनो की मैक्रोनी एंड दिस इज मेड विद सूजी, सो क्योंकि ये सूजी से बनी है तो इसके अंदर बिल्कुल भी वो मोटापे वाला, वो जो मैदा जो मोटापा देता है वो वाला सीन नहीं है, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग दिस फॉर एवरीबडी टुडे एंड
या ये भी कर सकते हैं, हमारे घर में आज बैंगन पड़े हुए हैं बट आई एम सिक ऑफ मेकिंग बैंगन, लाइक भरवा बैंगन इज लाइक टू मच फॉर मी नाउ, मैं बहुत ज्यादा बना रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने भी कुकिंग वगैरह करनी स्टार्ट की थी तो आई मेड इट सो यम कि सब लोग फिर क्या था वो हर तीसरे दिन कहते थे आज ना तू बना दिया, आज उन्हें ये ले लिया, मैं कहता नहीं बनाना मुझे, क्योंकि मैं बना बना के खाकर खुद भी थक गई, आई डोंट वांट इट, दो सब्जियों से मैं लिटरली आई एम टायर्ड, वन इज भरवा बैंगन एंड सेकंड वन इज अरबी, लाइक सीरियसली आई जस्ट वांट कि भाई सीजन चेंज हो, अपनी सब्जियां लगाएं, मूली चूली गोभी शोभी ये सब चीजें आई, गोभी के परौठे खाएं, मक्की की रोटी खाएं, ये सब चीजें खाएं, बिकॉज इन सब्जियों से आई एम यू नो पिस्ड ऑफ। अबे तू गाड़ी के नीचे क्या कर रही है? हैं? चला तो चूहा पकड़ते हैं, चल। आजा। गाड़ी के नीचे क्या कर रही है? आना। आजा। गिर चूहा, गिर। गिर हाँ, खुश, खुश। नहीं। गाइस हमारे चूलू के भी पिल्ले होने वाले हैं। You can see उसका पेट काफी गेन हो रहा है एंड बट वो इतनी पेशेंट है बाय गॉड, बंदी पूछो ही मत मेरी बच्ची है ना, राजा आजा डोरेमोन से खेलेंगे, चल जल्दी आ। कौन है? जुलू, जुलू चूहा। हो झूठ बोल रही थी। मैक्रोनी बॉईल कर ली है, मैक्रोनी तो बनेगी ही बनेगी। ये मैंने बीन्स ली है एंड ये पत्ता गोभी ली है, ठीक है ये ली है एंड ये सेम चीज साथ में आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, एंड स्प्रिंग रोल के लिए भी स्प्रिंग रोल के जो रैप्स होते हैं वो मैंने बना के रखे हुए हैं, मैंने इसके रैपर्स बना के रखे हुए हैं, देख लो कितने पतले हैं, कितने पतले हैं, लाइक लिटरली बहुत पतले हैं एंड इसके बनेंगे स्प्रिंग रोल। मैंने वेजिटेबल्स निकाल के रखी हुई है एंड मैक्रोनी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला मैक्रोनी मसाला एंड कुछ घर के मसाले भी। तो मैक्रोनी है एंड साथ में आई ट्राइड मेकिंग स्प्रिंग रोल्स बट ये मम्मी कह रही थी कुछ कुछ ये मैक पफ जैसा लग रहा है, सो दिस इज इट गाइस। अब मैंने डिनर कर लिया है एंड आप भी सोचोगे कितने कपड़े बदल लिए, लेकिन एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा स्वेट हो जाता है इन द किचन तो बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोस ग्रोस सा लगता है एंड अनकंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आते ही किचन से ड्रेस चेंज करें इन केस वी फील ड्रेंच्ड इन स्वेट, सो दैट इज़ द केस। एंड अब हम जा रहे हैं वॉक करने, वॉक मैं ज़्यादा नहीं करने वाली क्योंकि मैं खा के एकदम ठूस चुकी हूँ एंड बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, सो लेकिन मजबूरी है जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो डॉग्स हैं जो कॉलोनी के हैं वो वेट कर रहे होते हैं अपने डिनर का, सो हम ऐसा तो नहीं है, हम सारे डॉग्स को तो रात में नहीं खिलाते हैं, एक दो छोटे छोटे पप्पीज़ हैं जो कि बहुत ही यू नो जिनकी हड्डियाँ लिटरली दिख रही हैं तो इसलिए उनको हम स्पेशली खिलाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको और मोहल्ले के लोग नहीं खिलाते बट द पॉइंट इज कि मैं मतलब वो इतने डरपोक हैं कि जब भी उनको कोई खाना डालता है ना तो और डॉग्स आ जाते हैं एंड वो डर के मारे गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं, सो एट द एंड दे आर हंग्री। अरे आवाज मत लगाओ मम्मी, एक्चुअली यही दोनों कुत्ते हैं, उनमें से ये वाला कुत्ता है, इसने यहाँ ये दूसरे मोहल्ले का कुत्ता था ये जान के अब यहाँ पर आ गया एंड इसने सबको दुखी कर रखा है और यहाँ का जो सबसे गुंडा कुत्ता था उसको इसने कान पे काटा और मर गया। वो छोटा पिल्ला जिसकी हड्डियाँ निकली हुई थी, अरे मुझे डर लग रहा है मम्मी काटने ले, मम्मी अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखो उसको खाने ही नहीं देते वो खुद भाग गया। गाइस आई एम बैक होम एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं मेरे पिंपल्स एंड मेरे एक्ने मार्क्स की तरफ से आप सबको बाय।